हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर्टिकुड। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि आप सभी ने हमारे हाउ टू चेक सीरीज को बहुत सराहा है, इसीलिए आज हम इस सीरीज में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक ऐड करेंगे, जो कि है हाउ टू चेक ए यूज्ड आईमैक सिस्टम। एप्पल आईमैक सिस्टम जो कि एक हाई एंड ऑल इन वन डेस्कटॉप होता है विद लॉट्स ऑफ फीचर्स इन इट। सो इसे हमें खरीदने से पहले थरली चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आइए देखते हैं किस तरह हमें एक आईमैक सिस्टम चेक करना है। हमारे पास है 27 इंच आईमैक सिस्टम। आईमैक के साथ में हमें मिलता है एक वायरलेस कीबोर्ड और एक वायरलेस माउस, और साथ में हमें मिल जाता है एक पावर कॉर्ड। इसके यहां पर है पावर कनेक्टर और यहां पर इसका पावर ऑन ऑफ स्विच, हम इसे ऑन कर लेंगे। डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फिग्रेशन इट माइट टेक टाइम। अगर आपका SSD या फ्यूजन ड्राइव है तो इट विल टेक अराउंड 10-12 सेकेंड्स। अगर हार्ड ड्राइव है तो इट कैन टेक अप टू 1 मिनट। सबसे पहले हम इसका कॉन्फिग्रेशन चेक कर लेंगे। तो कॉन्फिग्रेशन के अंदर हमें मिल जाता है अबाउट दिस मैक। इसके अंदर है मैक OS Mojave इंस्टॉल्ड और iMac 5K रेटिना 27 इंच 2017 मॉडल। प्रोसेसर है 3.5 GHz Intel Core i5, मेमोरी है 8GB 2400 MHz DDR4 और ग्राफिक्स है AMD Radeon Pro 575 4GB, और डिस्प्ले में हमें मिल जाता है 5120x2880 विच इज 5K रेटिना डिस्प्ले। स्टोरेज में है 1.03 TB फ्यूजन ड्राइव और मेमोरी के अंदर है 4GB प्लस 4GB, दैट इज 8GB करेंटली इंस्टॉल्ड। हम इसके अंदर 16 GB के 4 रैम स्टिक्स लगा सकते हैं, टोटल 64 GB वी कैन मेक इट। और ये कितना कोर है ये चेक करने के लिए हम जाएंगे सिस्टम रिपोर्ट पर, और यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ कोर्स 4 है, तो ये 4 कोर प्रोसेसर है। और अगर हम यहाँ पर स्टार्टअप पे क्लिक करेंगे तो यू विल सी इट हैज एन ओरिजिनल एप्पल HDD, तो इससे हमें मालूम पड़ता है इसके अंदर ओरिजिनल एप्पल हार्ड ड्राइव इंस्टॉल्ड है। Apple basically Seagate, WD या Toshiba use करता है, but they have an Apple firmware on it, that's why it's written Apple HDD over here. And similarly, अगर आप NVMe पे ये क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह इंस्टॉल्ड है, 32 GB की SSD है, so ये दोनों कंबाइंड होके इट बिकम्स अ फ्यूजन ड्राइव, that's why it's written 1.03 TB. नेक्स्ट हम चेक कर लेंगे इसका वाईफाई कनेक्शन। जैसे कि आप देख सकते हो हमने वाईफाई कनेक्ट कर लिया है यहाँ पर। कंफर्म करने की हम जा सकते हैं ब्राउजर पर और यहां पर चेक कर सकते हैं, या फिर आपको भी वेबसाइट पर जाकर इसको प्ले करके देख सकते हो। तो इसका वाईफाई एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। नेक्स्ट हम चेक कर लेंगे इसका ब्लूटूथ। सो बाय डिफॉल्ट जैसे कि आप देख सकते हो मैं अगर ब्लूटूथ प्रेफरेंस ओपन कर रहा हूं तो इसका कीबोर्ड और माउस आर कनेक्टेड वाया ब्लूटूथ एज यू कैन सी। हमें और कंफर्म करना है तो हम कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पर बैटरी लेवल भी आपको दिखा देगा कीबोर्ड एंड माउस का। सो इवन द ब्लूटूथ इज वर्किंग परफेक्टली फाइन ऑन दिस। साउंड चेक करने के लिए अगेन हम जाएंगे सफारी पर, और यहाँ पर आप जाएंगे यूट्यूब पर, कोई भी गाना प्ले करके चेक कर लेंगे। आएंगे सिस्टम प्रेफरेंस का, और यहां पर आप आउटपुट पर लेफ्ट और राइट करके चेक कर सकते हो। ये राइट पर बरोबर प्ले कर रहा है, और ये लेफ्ट। साउंड भी प्रॉपर काम कर रहा है। अभी नेक्स्ट हम चेक कर लेंगे इसका हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव चेक करने के लिए हम जाएंगे यूटिलिटीज पर, और यहां पर हम डिजिटल पे क्लिक करेंगे, और यहां पर हम क्लिक करेंगे शो ऑल डिवाइसेस। तो इंटरनली आप देख सकते हो फ्यूजन ड्राइव है, इसे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहां पर वेरीफाइड आ रहा है विच इज परफेक्ट। स्टिल कंफर्म करने के लिए आप एक बार इसके ऊपर फर्स्ट एड रन करके देख सकते हो। शो डिटेल्स, जैसे आप देख सकते हो डिवाइस अपीयर्स ओके, ऑपरेशन सक्सेसफुल, तो इसके अंदर कोई भी इशू नहीं है।
तो इस तरह से आपको हार्ड ड्राइव चेक करना है। नेक्स्ट हम चेक कर लेंगे इसका वेबकैम और माइक। वेबकैम और माइक चेक करने के लिए हम जाएंगे फोटो बूथ पर। जैसे कि आप देख सकते हो इसका वेबकैम प्रॉपरली काम कर रहा है। हम एक वीडियो रिकॉर्ड करके देख लेंगे। हेलो माइक टेस्ट, हेलो माइक टेस्ट, हेलो हाउ आर यू। हेलो माइक टेस्ट, हेलो माइक टेस्ट, हेलो हाउ आर यू। सो इसका माइक और वेबकैम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। नेक्स्ट हम चेक कर लेंगे इसका डिस्प्ले। डिस्प्ले चेक करने के लिए हम जाएंगे चेंज डिस्प्ले बैकग्राउंड पर, और आपको कोई भी प्लेन कलर रख के चेक करना है। पहले हम ब्लैक रख लेंगे और इसे मिनिमाइज कर लेंगे। सो आपको सब जगह से देखना है, किधर पर भी ब्राइट पिक्सेल्स, व्हाइट लाइन्स या कोई भी कलर लाइन्स नहीं होना चाहिए, एकदम क्लीन और एकदम प्लेन होना चाहिए, जैसे आप देख सकते हो। सिमिलरली अभी हम एक लाइट कलर या व्हाइट कलर रख के इसका रेड पिक्सेल्स या लाइन्स चेक कर लेंगे। एकदम प्लेन होना चाहिए, कहाँ पर भी स्मजर्स, पैचेस, लाइंस, डेड पिक्सेल्स एकदम क्लीन होना चाहिए। और इसके अंदर एक बहुत ही कॉमन इशू आता है, जिसके अंदर से आपका ये एजेस से पूरा डिस्प्ले जो है ये पूरा पिंकिश हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि आपका एजेस एकदम क्लीन होना चाहिए, यहाँ पर पिंकिश एजेस नहीं होना चाहिए। अगर एजेस पिंकिश है तो फिर डिस्प्ले में इशू हो सकता है, आप अकॉर्डिंगली प्राइस बार्गेन कर सकते हो। तो इसका डिस्प्ले एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, इसके अंदर कोई लाइंस, और यहाँ से आप देख सकते हो बहुत टाइम पुराने मॉडल्स के अंदर यहाँ पर से डस्ट के इफेक्ट्स आ जाते हैं, तो आप यहाँ पर आपको ब्लैक ब्लैक रेस दिखेंगे, तो वो भी आपको चेक करना है। तो इसका डिस्प्ले एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। सो फिजिकली हम अभी सारे पोर्ट चेक कर लेंगे। हमें इसके अंदर मिल जाता है हेडफोन जैक, मेमोरी कार्ड स्लॉट, 4 यूएसबी 3.0 पोर्ट्स, 2 थंडरबोल्ट पोर्ट्स। सिंस ये 2017 मॉडल है, इसके अंदर हमें मिल जाता है थंडरबोल्ट 3 जो कि यूएसबी टाइप सी पोर्ट्स हैं 40 Gbps, और यहाँ पर है इथरनेट पोर्ट, एंड यहाँ पर हमें मिल जाता है ऑन ऑफ स्विच। तो अभी हम ये सारे पोर्ट चेक कर लेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे हेडफोन जैक। इसके लिए हम यूज़ करेंगे सेम बीट्स का हेडफोन, ये 2-in-1 है, इसमें हम ये कनेक्ट कर लेंगे। और पहला मैं एक आपको गाना प्ले करके दिखा देता हूँ। अभी अगर आप सिस्टम प्रेफरेंस से चेक करोगे साउंड पर, तो यहाँ पर इंट्रो स्पीकर्स लिखा हुआ है। जैसे ही मैं ये कनेक्ट करूँगा तो ये हेडफोन बना हुआ आ जाएगा, उस पर साउंड आना चालू हो जाएगा। यहाँ पर हेडफोन्स आगे बना हुआ लिखा हुआ, और अगर इसमें चेक करूँगा परफेक्ट साउंड आ रहा है। नेक्स्ट टाइम चेक कर लेंगे मेमोरी कार्ड स्लॉट। इसके लिए हम यूज करेंगे एक मेमोरी कार्ड, इसे मैं पीछे कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर बना हुआ आ जाएगा, 16 GB का मेमोरी कार्ड है, ये डिटेक्ट हो गया है। इसे कभी भी आपको डायरेक्ट नहीं निकालना है, आपको राइट क्लिक करके इजेक्ट करना है, या तो सेलेक्ट करके कमांड और ई प्रेस करना है, तो ये सेफली रिमूव हो जाएगा। तो इसका मेमोरी कार्ड प्रॉपरली काम कर रहा है। नेक्स्ट हम चेक कर लेंगे चारों USB 3.0 पोर्ट्स। इसके लिए हमारे पास है एक USB 3 हार्ड ड्राइव, इसे हम कनेक्ट कर लेंगे। पोर्ट नंबर 1 पर ये हमारा एक्सटर्नल ड्राइव बना हुआ आ गया है, इसे हम चेक कर लेंगे। सिमिलरली हम पोर्ट 2 भी चेक कर लेंगे। सो ये हमारा सेकंड पोर्ट भी चालू है, हम इसे भी चेक कर लेंगे। अभी हम चेक कर लेंगे पोर्ट 3 USB 3 का। यह हमारा थर्ड USB पोर्ट भी चालू है, और लास्टली हम चेक कर लेंगे फोर्थ पोर्ट को, इसे हम चेक कर लेंगे फिर से सेफली। और मैं चौथे पोर्ट पर क्लिक कर कनेक्ट कर लेता हूँ इसे, और यह हमारा फोर्थ पोर्ट का भी हार्ड ड्राइव बना हुआ आ गया है। तो इसके चारों USB पोर्ट्स वर्क कर रहे हैं। अगर आपके पास हार्ड ड्राइव नहीं तो आप पेन ड्राइव या कोई भी USB डिवाइस कनेक्ट करके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हम चेक कर लेंगे इसका थंडरबोल्ट पोर्ट। सिंस इसके अंदर 2 थंडरबोल्ट पोर्ट है विच सपोर्ट्स थंडरबोल्ट 3 विच इज 40 Gbps, हमारे पास एक सैमसंग X5 हार्ड ड्राइव है विच इज थंडरबोल्ट 3, इसे भी हम कनेक्ट करके चेक कर लेंगे।
पोर्ट वन में चेक कर लेंगे। ये हमारा सैमसंग X5 SSD बना हुआ आ गया है, तो इसका एक पोर्ट चालू है। अभी हम सेकंड पोर्ट भी चेक कर लेंगे, इसे हम चेक कर लेते हैं। यह हमारा सेकंड पोर्ट थंडरबोल्ट 3 भी चालू है, तो ये हमारा माउंट हो गया है सैमसंग X5, इसे हम चेक कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसका इथरनेट पोर्ट चेक कर लेंगे, RJ45, इसे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। और इसका दूसरा एंड हम कनेक्ट कर लेंगे किसी भी वाईफाई राउटर पर, और इसे कंफर्म करने के लिए हम पहले वाईफाई को ऑफ कर लेंगे। और यहाँ पर हम जाएंगे सिस्टम प्रेफरेंसेस पर, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे नेटवर्क पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इथरनेट ऑलरेडी कनेक्टेड है। मैं इसे एक बार डिसकनेक्ट करके फिर से आपको दिखाता हूँ। ये मैंने डिसकनेक्ट कर दिया है, ये नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है। मैं इसे भी कनेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने कनेक्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्टेड आ जाएगा। और इसे चेक करने के लिए हम फिर से ब्राउजर पर जाकर कोई भी वेबसाइट ओपन करके चेक कर सकते हैं। और इसका पावर ऑन स्विच चेक करने के लिए हमें पावर ऑन स्विच को सिर्फ 2 या 3 सेकंड प्रेस करके रखना है, तो आपको ये मेन्यू आ जाएगा। तो इसका पावर ऑन ऑफ स्विच परफेक्टली काम कर रहा है। हमें फिर से चेक कर लेंगे, 1, 2, 3 सेकंड प्रेस करने पे आपको ये मेन्यू आ जाएगा। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि आपका पावर ऑन स्विच परफेक्टली काम कर रहा है। अभी हम चेक कर लेंगे इसका कीबोर्ड एंड माउस। तो कीबोर्ड चेक करने के लिए हम जाएंगे सिस्टम प्रेफरेंसेस पर और क्लिक करेंगे कीबोर्ड पर, और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे शो कीबोर्ड। यहाँ पर मेन्यू बार पर बना हुआ आ गया आइकन, हम इसे क्लिक कर लेंगे और जाएंगे शो कीबोर्ड व्यूअर पर। तो ये कीबोर्ड बना हुआ आ गया है। अभी हम एक एक बटन प्रेस करके चेक कर लेंगे। कैप्स लॉक पे आपको कैप्स लॉक की लाइट आ जाएगी। सो इसके सारे फंक्शंस काम कर रहे हैं। और माउस चेक करने के लिए माउस के अंदर हमें सिर्फ 3 चीज चेक करना है, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक और जेस्चर्स। तो पहले हम जाएंगे सिस्टम प्रेफरेंसेस पर और यहाँ पर क्लिक करेंगे माउस। बाय डिफॉल्ट सेकेंडरी क्लिक डिसेबल होता है, हम इसे टिक कर लेंगे और इसे सेलेक्ट कर लेंगे क्लिक ऑन राइट साइड, और ट्रैकपैड की स्पीड को थोड़ा बढ़ा लेंगे। तो अभी मैं अगर इसका राइट क्लिक करूँगा तो ये राइट क्लिक ऑप्शन आ गया है सी, और लेफ्ट क्लिक से फोल्डर बन जाएगा नया। सिमिलरली राइट क्लिक न्यू फोल्डर, हम इसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक मूव टू थ्रैश, राइट क्लिक एम्प्टी थ्रैश। तो इसका लेफ्ट और राइट क्लिक परफेक्टली काम कर रहा है। हम इसका जेस्चर चेक कर लेंगे। जेस्चर चेक करने के लिए हमें जाना है सफारी पर, और यहाँ पर हमें कोई वेबसाइट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर हमें स्क्रोल करके चेक करना है। तो आप जैसे कि देख सकते हो स्क्रोलिंग परफेक्टली हो रहा है, और यहाँ से हम लेफ्ट और राइट स्वाइप कर सकते हैं। तो इसका माउस भी परफेक्टली काम कर रहा है। सो गाइस, आई होप इस वीडियो से आपको यूज टाइमेक्स सिस्टम खरीदने में आसानी होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और कोई सजेशन या क्वेरी हो तो हमें कमेंट करें। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, हमारे वीडियोस का वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर सिर्फ 5% है, और 95% नॉन सब्सक्राइबर हमें वॉच करते हैं। सो नॉन सब्सक्राइबर प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।